आगरा में संजय प्लेस स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में गुरुवार तड़के आग लग गई। 6 दमकलों की गाड़ियों ने 1.5 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। आग की चपेट में आकर कंप्यूटर और बैंक में रखे कागजात जल गए हैं। बताया गया है कि तड़के 4 बजे गार्ड ने धुआं उठता देखा, इसके बाद उसने बैंक के अधिकारियों को आग की सूचना दी। थाना हरिपर्वत पुलिस को आग के बारे में जब पता चला तो उन्होंने दमकल विभाग को सूचित किया। सुबह करीब 5:30 बजे दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पा चुकी थीं। इस बैंक में स्ट्रॉन्ग रूम में कैश सुरक्षित बचा है, इसकी जानकारी यहां के चीफ मैनेजर ने दी। उन्होंने बताया कि आग स्ट्रॉन्ग रूम तक नहीं पहुंची है, हालांकि सामान जो जला है उसकी जानकारी अभी नहीं है। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में करीब 1.5 घंटे तक जुटी रहीं। हमारे ब्रांच है अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग ब्रांच, उस शाखा में आग लग गई है। 2:15 बजे के आसपास फ़ोन गया था चौकी से कि आपकी ब्रांच में आग लग गई है। मैं बगल की PNB संजय प्लेस में भाई चीफ मैनेजर हूँ, तो हम लोग दौड़ के आए तो दमकल आ गई है, तो बुझा रही है। अभी कुछ नहीं बता सकते क्योंकि अभी वो दमकल वाले बुझा रहे हैं आपको, अभी ऐसे कुछ नहीं बता सकता। कैश तक आग पहुँचने का सवाल नहीं है, स्ट्रॉन्ग रूम में आग नहीं जाएगी। कोई डॉक्यूमेंट तो ब्रांच खुलेगी तब पता। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।